रेडी हो? हाँ बिल्कुल। अच्छी बात है, ओवरटेक करो। सर हमारे पीछे एक कार है, काफी देर से फॉलो कर रही है। अपनी स्पीड बढ़ाओ, तब जाकर पता चलेगा। ठीक हो? क्या हुआ? बानो, हाँ बोलो, क्या हुआ? कहाँ हो तुम सीजा? इस्तांबुल में। क्यों, क्या हुआ? मुझे अभी अभी पुलिस ऑफिसर का कॉल आया था, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बानो हुआ क्या है? मिस्टर रिफत का कैसान रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अभी उनकी हालत कैसी है? वो बहुत क्रिटिकल है। सर तुम्हें पता है वो उस आदमी को दूसरे प्रिजन में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि मुदलू आया था और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। उसे प्रिजन कार में ले जा रहे हैं, जब भी टाइम मिले तो कॉल करो, भूलना मत, बहुत अर्जेंट है। सीजर, क्या हम पहले घर चलें? मुझे ड्रेस चेंज करनी है। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं आओगी। मैं आ रही हूँ। सुहान प्लीज। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है। कार जो कि एक प्रिजनर को इस्तांबुल से कैसान ट्रांसफर कर रही थी, उसका कोरलू एरिया में भयानक एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट के बाद कुछ अज्ञात लोगों ने प्रिजन कार पर गोलीबारी की। पुलिस ने वक्त रहते हमले को नाकाम कर दिया। इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन सब के बीच प्रिजनर्स भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने भागे हुए प्रिजनर्स को पकड़ने के लिए एक लार्ज स्केल ऑपरेशन चलाया है। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है इन भागे हुए प्रिजनर्स को पकड़ने की। रुको, मुझे दो मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। नहीं नहीं छोड़ सकता, ब्लीडिंग अब भी हो रही है। मुझे ये कॉल रिसीव करना है, दो मिनट के लिए छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, जाओ। हेलो मिस्टर तासिन। मुटलू, मैंने एक्सीडेंट की न्यूज सुनी, सुना दो डेड बॉडीज हैं, इसलिए कॉल किया। वो भाग गया है ना? बदकिस्मती से। मुटलू बोलो कि तुमने उसे भागने नहीं दिया। तुम भी ना मुटलू, सारा खेल खराब कर दिया, तुम और तुम्हारे आदमी। क्या मैं इसीलिए तुमको मुफ्त के पैसे देता हूँ? ऐसा कैसे हुआ, कैसे हुआ? एक्सीडेंट के बाद हम इमीडिएटली कार की तरफ भागे, नाटक करते हुए कि हम हेल्प करेंगे।
तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? क्या वो कैदी है? इस वैन में पीछे कैदी बंद है। कैदी है? चाबियां कहाँ हैं? चाबियां कहाँ हैं? लाओ, लाओ चाबी दे दो, लाओ। नहीं, मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगा। लाओ। उस दरवाजे को मत खोलना, मुझे चाबी वापस दे दो। रिजा, मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार महसूस करने का मौका दूंगा कि तुम कितने काम के आदमी हो, क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए। क्या हुआ मिस्टर मुतलू? क्या हुआ मिस्टर मुतलू? और इसी भगदड़ में वो मेरी कार लेकर भाग गया। ब्लडी लूजर्स, क्या बोलूं मैं तुमको, क्या बोलूं? किसी काम के नहीं हो तुम, एक काम ठीक से नहीं होता। कार किसके नाम पर रजिस्टर थी? वो लोमड़ी की तरह तुम्हारा शिकार करेंगे और तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए, मेरे आदमी ने इस काम के लिए ही ये कार ढूंढी थी। मैंने पुलिस तक ये इन्फॉर्मेशन भिजवा दी है, वो जल्दी उसे अरेस्ट कर लेंगे। तुम यहाँ से तुरंत गायब हो जाओ और इस फोन को डिस्ट्रॉय कर दो। जी ठीक है। वो यहाँ आ जाएगा, वो हमें ढूंढ लेगा। तुम टेंशन मत लो, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। उसके दोस्तों ने भागने में उसकी मदद की मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अच्छा ही हुआ, अब एक नया चार्ज लग गया है जो कि हमारे काम आएगा। पर पहले वो उसे अरेस्ट करें तो। सर हमें वो कार मिल गई है, इसकी लाइसेंस प्लेट का नंबर 34 है और ड्राइवर यहाँ पर नहीं है। आई रिपीट, ड्राइवर यहाँ पर नहीं है। मुझे पता था कि एक दिन यही होगा, कोई कॉल करेगा और कहेगा तुम्हारी डैड मर गए। प्लीज जान, ऐसा मत। मैं सच ही तो कह रहा हूँ ना मॉम, मुझे दुखी मत करो। मुझे एक बात बताओ, तुम अपने डैड को जानते हो ना? तुम्हें पता है हालात चाहे कैसे भी हो हमेशा बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता मिस्टर सीजा। इस तरह से बात मत करो। जब से मैं पैदा हुआ हूँ वो आपके फादर की खोई हुई लाइफ को ढूंढ रहे हैं। देखो बहुत हो गया। देखो मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात सुनो, रिफात ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सच को ढूंढ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ अभी रास्ते में है, पहुंच के कॉल करता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अभी वो रास्ते में ही है। सुहान प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करो और इतनी फिक्र मत करो, मिस्टर रिफत को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना तुमसे। आई होप सो। क्या उनकी वाइफ और बेटा भी सीजर के साथ हैं? हाँ वो साथ हैं। वहाँ से हम सीधे मेरे घर गए। सीजर के कपड़े कार में ही थे तो वो चेंज करके उन्हें पिक करने गया, और मैं वहाँ अकेले नहीं रहना चाहती थी तो मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ। क्या मिस्टर सीजर ने घर देखा? हाँ वो ज्यादा देर नहीं रुका, बस 5 मिनट के लिए ही अंदर गया था। ओ अच्छा, कम से कम उन्हें रास्ता तो पता है ना। अब से वो तुम्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट मैं तो कल रात के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ हम बाद में बात करेंगे। पर तुम्हें नहीं पता कि वो कितने एक्साइटेड थे और उन्होंने सब कुछ कैसे ऑर्गेनाइज किया। सच में? पर इन बातों का भी टाइम नहीं है। फ्यूजन आंटी, गुड मॉर्निंग। फ्यूजन आंटी देखिए कौन आया है। Happy birthday to you. Thank you so much. जन्मदिन की बधाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you, आंटी। Happy birthday, Suhan. I hope कि तुम जो चाहती हो तुम्हें सब मिल जाए। Thank you, Shireen. Happy birthday, Mrs. Suhan. Thank you so much. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. क्या बात है? तो तुम्हारा बर्थडे वैलेंटाइन्स डे पर आता है? हाँ बिल्कुल। जब कोई प्यार करे तो रोज ही वैलेंटाइन्स डे है। क्या सच में? और वो कहाँ है? कौन? सीजर? वो कुछ लेने गया है, आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब हम आज रात सेलिब्रेट करेंगे, है ना?
अगर सब इतने खुश हैं तो हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे। फ्यूजन आंटी, हम केक बनाना शुरू करें? हाँ, चलो चलो चलो। पर मैंने केमाल से प्रॉमिस किया था कि आज मैं उसके साथ वॉक पर जाऊंगी, तो आप जब कहेंगे तभी मैं हाजिर हो जाऊंगा। वो तो ठीक है, पर सीजर कहाँ है? क्या वो अब तक सो रहा है? नहीं, वो जल्दी आ जाएगा। वो कुछ जरूरी सामान लेने गए हैं, आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं केक बनाने जा रही हूँ। हैप्पी बर्थडे सुहान। कोई अपना फोन ही नहीं उठा रहा। ऑब्वियसली सुहान, सब लोग बहुत बिजी होंगे, तुम इतनी फिक्र मत करो। मुझे उसके साथ ही चले जाना चाहिए था। लगता है वॉक से जल्दी वापस आ गए। मैं देखती हूँ। मिसेस मैरीबान? सॉरी, मैं बिना बताए आ गई। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मिस फ्यूजन को जाम देती चलूं। वो वॉक पर गए हैं, आप अंदर आइए ना। मैं बस थोड़ी देर ही रुकूंगी। कोई नई न्यूज है? और मिस्टर रिफात कैसे हैं? मिस्टर रिफात हॉस्पिटल में हैं, अभी ठीक हैं। शुक्र है। और कैसा चल रहा है सिरीन? वेलकम मिसेस मेरीबान। आप तो जैम्स लेकर आई हैं। पर रोज नहीं है, वो मैं अगली बार ले आऊंगी। नहीं नहीं, रेड पेपर जैम काफी है मिसेस मेरीबान। फ्यूजन आंटी को भी ये बहुत पसंद है, हम सबको बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हें अच्छे लगे। क्या कोर्ट से आने के बाद सीजर ने कॉल किया तुम्हें? सीजर कोर्ट गया था, आपको कैसे पता? मैंने कॉल किया था तब वो वहीं था। शायद मिस्टर रिफात का मैसेज प्रोसिक्यूटर को दिखाने गया होगा। उन्होंने एक्सीडेंट के पहले मिस्टर सीजर को फोन किया था, फोन नहीं कनेक्ट हुआ तो उनके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया, वही दिखाने गए होंगे। और लेटर के बारे में कुछ पता चला? कौन सा लेटर? लेटर जो यहाँ भेजा गया था। शरीन? हाँ? कौन सा लेटर है जिसके बारे में मिसेज मेहरीबान जानती है पर मैं नहीं? देखो, वो तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहते थे इसलिए नहीं बताया। जिस दिन मिस्टर तासिन आए थे तो पोस्टमैन मिस्टर सीजर के लिए लेटर डिलीवर करने आया था। लेकिन वो लेटर मिस्टर सीजर तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि पापा ने उसके हाथ से ले लिया। I'm so sorry, मुझे लगा तुम्हें पता होगा उसके बारे में। सीजर बिल्कुल ठीक कह रहा था। थैंक यू। ये कुकीज मेरी वाइफ ने बनाई हैं। सच में बहुत टेस्टी हैं। थैंक यू सो मच। आप तो जानते होंगे मैं यहां क्यों आया हूं। कल जो हुआ था क्या उसकी वजह से आप? ब्रोकन विंडोज और फ्रेम्स, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, वो भी एक केस है, पर मैं उसकी वजह से यहां पर नहीं आया हूं। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि आपका भाई रिजा कल रात जेल से भाग गया था? हेलो सिदा, आपका हाथ जला। सिदा जल्दी आओ। आप ठीक तो है ना मिसेस अदालत? I'm fine, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। आपने देखा ना, उसका नाम सुनते ही सब नर्वस हो जाते हैं। जाहिर है आपको नहीं पता था। नहीं, मैं नहीं जानती थी। ये हुआ कैसे? उसे दूसरी जेल में ट्रांसफर करते वक्त एक एक्सीडेंट हो गया। आपको सारी डिटेल्स जल्द ही पता चल जाएगी। मेरा अगला क्वेश्चन, क्या भागने में उसकी कोई हेल्प कर सकता? अरे ये इन्हें कैसे पता होगा? वो 30 साल से जेल में है, उसे हमेशा के लिए वहां सड़ने दो, भाड़ में जाए वो हमारी बला से। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जेल में क्यों है, हम कभी इस बारे में बात ही नहीं करते। चाहे तो तुम इस बारे में मत बोलो प्लीज। आई सी, पर रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगर 30 सालों में किसी ने उसे रेगुलर विजिट किया है तो वो आप हैं मिसेस अदालत। नहीं, मैं उसे नहीं मिली। हाँ, मैं जेल जरूर गई थी पर कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। मैं तो बस एंश्योर करना चाहती थी कि वो जेल में ही है, दैट्स ऑल। क्यों? ये तो मुझे भी अब पता चला है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई?
बस ऐसे ही, मुझे नहीं लगा कि ये बात आपको बतानी चाहिए, वैसे भी आप इतने बिजी रहते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। I get it. ऐसा कोई चांस तो नहीं है कि वो आपसे कांटेक्ट करे? हो सकता है कि वो मुझे यहाँ से हर्ट करने आया हो। अगर वो यहाँ आया तो सीधा जेल जाएगा। कोलोदाग की पुलिस, प्रोसिक्यूटर, लॉ, ये सब नहीं होने देंगे। आने तो दो उसे। पुरानी फाइल्स खोली जा रही हैं। उस रात की भी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये बात साफ है। उम्मीद है कि हम इस केस में खींचे नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। और उसका भाई जेल क्यों गया था? आप जानते हैं उसने किसका मर्डर किया था? वो एक ड्रग एडिक्ट था। मुझे याद नहीं उसने क्या किया था। वैसे भी इस बात को अब 30 साल हो गए हैं। तो ये मुतलू कौन है? आज सुबह मिस्टर तासीन फोन पर किसी मुतलू नाम के आदमी पर चिल्ला रहे थे। शट अप। अगर उन्हें पता चला तुम चुपके से उनकी बातें सुनती हो तो तुम्हें फायर कर देंगे। पर मैंने आपके अलावा किसी और से कुछ नहीं कहा। कहना भी मत। अपनी आंख, कान और मुंह पर लगाम लगाओ, समझी? तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना और कुछ नहीं बोलोगी। ठीक है। हाँ, बोलो। I'm sorry. हाँ, सुहान आई है। ठीक है, सुहान आई है। उस कातिल को जल्दी पकड़ना होगा ताकि शहर सुरक्षित रहे। आपने देखा कैसे सब ने अदालत को अपसेट कर दिया? मैं जल्दी स्टेटमेंट लिखता हूं कि मिसेस अदालत को सिक्योरिटी दी जाए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं तो लोग कहेंगे कि कोर्लुदाग अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। मतलब आपके हिसाब से आपकी रेपुटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलकम डियर। सुहान, आलमदार फार्म की ओनर आई है। तुम वापस कब आई? मैं कभी गई ही नहीं थी। I'm so sorry, मैं अचानक आ गई। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर से हेलो तो बोलो, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मिस्टर सरहात, ये मिसेस सुहान आलमदार। हेलो तो बोलो सरहात को। हेलो, नाइस टू मीट यू। मैं उस लेटर के बारे में बात करना चाहती हूँ जो सीजर के लिए आया था। अगर आप चाहो तो यही बात कर सकते हैं। कौन सा लेटर? मुझे नहीं पता। अब मैं चलना चाहूंगा, मुझे अपनी स्टेटमेंट अपने कॉलीग्स को रिपोर्ट करनी है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर प्रोसिक्यूटर। मुझे भी सर, अब तो आपसे मुलाकात होती रही। जैसा आप चाहिए। अब मुझे ऑफिस में बहुत सी फाइल्स चेक करनी है और अनफॉर्चुनेटली उन सब फाइल्स में आपका नाम है। कुछ और भी बातें हैं, मुझे डॉक्टर नदीम के मर्डर के बारे में आपकी हेल्प चाहिए होगी। मिसेस चाहिदे, वो नर्स आयशे एल्ड्रिज, ये हुलिया या जो कुछ भी इसका नाम है, उसके बारे में बहुत कुछ है मेरे पास भी बताने के लिए। मैं बिल्कुल आपकी बात सुनूंगा। वो शायद आपकी पर्सनल प्रेगनेंसी। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले थी, अब वो नहीं है। ठीक है, हम एक एक करके आपको टेस्टिफाई करने के लिए बुलाएंगे, तभी इस इश्यू के बारे में बात करेंगे। और ये लेटर वाला केस, वो भी मेरे पास ही आएगा। मैं आपकी हर पॉसिबल हेल्प करूंगा। मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रोसिक्यूटर। आज हम पहले ही बहुत टेंशन में हैं। हम इस बारे में कभी और बात करेंगे जब हम फ्री हो, यही ठीक होगा। यू आर राइट मैम। पहले हमें उस फ्यूजिटिव को पकड़ना है। मैं जानता हूँ कि आपका उससे कोई वास्ता नहीं है, पर अगर आपको उसका कोई मैसेज मिले तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। जी, ऑफ कोर्स। मैं अपनी दवा लेना भूल गई थी, मैं अभी आती हूँ। मैं भी ऊपर जा रही हूँ। कहीं मत जाइए मिसेज अदालत, मैं आपसे भी बात करना चाहती हूँ। जाने दो उसे, जाओ। बताइए उस लेटर में क्या लिखा था पापा? तुम्हारे पति ने तुम्हें भी अपनी तरह बना दिया, तुमने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है। तुमने कहा था कि तुम लंदन जा रही हो। उस बात को छोड़िए, उस दिन आप हमारे घर आए थे वो लेटर लेने के लिए, है ना? पर आपने कहा था कि आपने मुझे मिस किया। तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करना था। हाँ। आज तो तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। बस कीजिए, बहुत हुआ पापा, प्लीज। आप अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ सीरियस बात करने आई हूँ। मुझे जानना है कि उस लेटर में क्या लिखा था जो रजा ने जेल से भेजा था।
मुझे क्या पता? उस रात दो लोग मारे गए और कातिल का कुछ पता नहीं चला है, और किसी को ये भी नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाला है। ये एक सोची समझी साजिश है। तो तुम अपने हस्बैंड की बातें सुनकर यहाँ मुझे अक्यूज करने आई हो? तुम कब तक उसके हाथ की कठपुतली बनी रहोगी? मैं सिर्फ आपको जेल जाने से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। एटलीस्ट एक बार पापा, जिंदगी में कोई तो काम एक बार सही से करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कुछ जानते हैं तो पुलिस को बताइए। एक्सक्यूज मी, मिस सुहान, आपकी कार मेरी कार के आगे पार्क्ड है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, प्लीज। बहुत जल्द मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर। उसने आपकी बातें सुन ली। मैं जानती हूँ कि बहुत जल्द डैड मिस्टर प्रोसिक्यूटर से बात करने वाले हैं। आफ्टर ऑल डरने की क्या बात है। हाँ, जरूर बात करूंगा। तुम अपने हस्बैंड के झूठ पर यकीन करती रहो, बाद में पछताओगी, और जब तुम्हें पछतावा होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसा नहीं होगा, मैं इस सब के लिए तैयार हूँ, अगर आप इनोसेंट हो तो। आपने अब तक नहीं बताया लेटर में क्या लिखा था।